हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसमें हम एक सेल्समैन के कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए जो उसका रूट है वो वन साइकिल में कंप्लीट हो, इसको चैनलाइज करने का काम करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो लेट्स से एक सेल्समैन स्टार्ट कर रहा है पॉइंट वन से, फिर उसे पॉइंट टू को जाना होता है, फिर पॉइंट थ्री को, फिर पॉइंट फोर को, और उसके बाद वो पॉइंट फाइव को जाता है। तो आप देखिए, इसके लिए इसे एक्स्ट्रा जाना हो रहा है जो कि इसके साइकिल में नहीं हो रहा है। लॉजिकली इसकी जो ट्रैवलिंग होनी चाहिए थी वो अगर साइक्लिक वे में देखूं तो मैं ऐसे होनी चाहिए थी, सो दैट कि अपना वन साइकिल कंप्लीट करके पॉइंट ऑफ सोर्स पे पहुंच जाए। इसी चीज को चैनलाइज करने का काम हम ट्रैवलिंग सेल्समैन में करते हैं। इसके लिए हम हंगेरियन मेथड यूज करेंगे। हंगेरियन हमें कॉस्ट मिनिमाइज करके देता है, बट ट्रैवलिंग सेल्समैन हमें साइकिल को चैनलाइज करके देता है कि कम कॉस्ट में एक ही साइकिल में सेल्समैन को सारा पॉइंट्स कवर हो जाए। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कुछ डेटा है और ट्रैवलिंग सेल्समैन और एक हंगेरियन मेथड को फाइंड आउट करने के लिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए एक हमारे पास बेसिक चीज है। इसके जो सेंटर वैल्यू होती है ये या तो डैश के फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन में मिलेगी या फिर ये इन्फिनिटी के फॉर्मेट में आपको दिखेगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप समझ लो कि ये ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम है। हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है जब हम इसके रो को रिड्यूस करते हैं, सो रो रिडक्शन इज आवर फर्स्ट स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मिनिमम पार्ट है उसे हम कंसिडर करते हैं और उसे बाकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 विल बी 1, 6 माइनस 2 विल बी 4, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1। ऐसे करने के बाद हमारे पास सारी वैल्यूज हमने इस टेबल में डाल ली है। रो रिडक्शन करने के बाद हमारा स्टेप 2 होता है जिसमें हम करते हैं कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में हम कॉलम के ऊपर काम करते हैं। सो लेट्स से कि इस कॉलम में जो भी हमारा मिनिमम है उस मिनिमम को हम बाकी वैल्यूज से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है हमारे पास, अभी यहाँ हमारे पास मिनिमम वैल्यू जीरो की है, तो 1 माइनस जीरो विल बी 1, 2 माइनस जीरो विल बी 2, और जीरो की वैल्यू वैसी की वैसी रही। तो कॉलम ए हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। कॉलम बी में देखते हैं, अगेन हमारी वैल्यू जीरो की आ रही है, तो सेम वैल्यूज हमारी वैसी की वैसी कॉपी हो जाएगी। थर्ड कॉलम में अगर देखें तो हमारी मिनिमम वैल्यू वन की है, मैं वन से बाकी को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 4 माइनस 1 विल बी 3, 3 माइनस 1 विल बी 2, 4 माइनस 1 विल बी 3, एंड दिस विल बी 0। ऐसे करने के बाद हमारे पास पूरी की टेबल रेडी हो गई है। अब इस टेबल को आने के बाद हमारा मेन पर्पस है इसके ऊपर फाइंड आउट करना कि हंगेरियन मेथड हम कैसे यूज करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स हैं दोस्तों, इन रूल्स को बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम रूल्स को एक बार देखते हैं कि क्या ये रूल्स कहना चाहते हैं। जस्ट अ सेकंड, ये है हमारे पास रूल जो कि हमें यूज होगा इसे फाइंड आउट करने के लिए। ओके, देखिए उससे पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि असाइनमेंट करना। तो असाइनमेंट का रूल बहुत ही सिंपल है, सिंगल रोज में अगर हमें जीरो मिल रहे हैं उसे हमें बॉक्स करने हैं और उससे एडजेसेंट जो भी कॉलम में जीरोस हैं उसे हमें क्रॉस करना है। वापस बोलता हूं, सिंगल अगर किसी रो में सिंगल जीरो है मुझे उसे असाइन करना है और उसके एडजेसेंट जो भी कॉलम में जीरोस हैं उसे मुझे क्रॉस करना है। यहाँ सिंगल जीरो था, हमने क्रॉस कर दिया। बी में कोई भी जीरोस नहीं है, सी में अगेन सिंगल जीरो, इसे मैं करूंगा बॉक्स, और यहाँ कुछ क्रॉस करने को नहीं है, यहाँ डबल जीरो है कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी ट्रिपल जीरो है यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बट अगेन हम किसी भी जीरो को छोड़ नहीं सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ पिक करना होगा। तो लेट्स कंसिडर, हमने इस जीरो को कंसिडर किया, इसे क्रॉस किया और इसे क्रॉस किया, सेकंड में हमने इसे कंसीडर किया और इसे हमने क्रॉस किया, सो दैट कि हमारे पास एक भी जीरो आइडल नहीं बैठे।
तो अभी हम देखेंगे, तो हमारे पास असाइनमेंट 1, 2, 3, 4, बट हमारे पास जॉब्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। असाइनमेंट के नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग मुझे ये सारे रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है रूल का, टिक द रोज दैट हैव नॉट रिसीव्ड द असाइनमेंट। ये हमारी रो है जिसमें असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट इन द सेंस जिसमें भी बॉक्सेस नहीं बने हुए हैं, तो ये हमारी रो है जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, टिक द कॉलम दैट हैव जीरोस इन द टिक्ड रो। टिक्ड रो में जो भी जीरो है उसके कॉलम को मुझे टिक करना है, हमने इसे टिक किया। थर्ड है हमारा टिक द रोज दैट हैव असाइनमेंट इन द टिक कॉलम, इसमें जो भी असाइनमेंट है इस कॉलम में उसके रो को मेरे को टिक करना है, जो हमने यहाँ पे कर दिया। ये था हमारा पार्ट वन। पार्ट टू क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। पार्ट टू है ड्रॉ डॉटेड लाइंस थ्रू ऑल अनटिक्ड रोज। जो हमारे पास अनटिक्ड रोज हैं उन सभी में को लाइंस डॉटेड लाइंस ड्रॉ करने हैं, तो ये हमारे पास अनटिक्ड रो है जिसमें मुझे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, ये भी अनटिक्ड रो है, इसमें भी मुझे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड है, इसे भी हमें, इसमें भी हमें डॉटेड लाइन से डिनोट करना होगा। तो हमारे पास तीन लाइंस हैं जिसमें हमने डॉटेड करी हैं, रोज है जिसमें हमने डॉटेड करी हैं। ड्रॉ डॉटेड लाइंस थ्रू ऑल टिक्ड कॉलम, और कॉलम में जो भी हमारे पास टिक्ड कॉलम है उनमें हम डॉटेड लाइन डिनोट करेंगे। तो ये हमारी डॉटिंग हो गई, पार्ट टू फिनिश। पार्ट टू क्या बोलता है, चूज द लिस्ट एलिमेंट नॉट कवर्ड बाय द लाइंस। सो जो भी हमारे में डॉटेड लाइन से अनकवर्ड पार्ट है उसमें से मुझे लिस्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस पार्ट को देखें और इस पार्ट को देखें, तो मिनिमम है हमारे पास वैल्यू 1, तो हमने 1 को कंसिडर करना है k, तो हमने कंसिडर किया k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट k फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स अनकवर्ड बाय द लाइन, और इस 1 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है जो कि अनकवर्ड है। यहाँ पे मेरे को -1 करना है, यहाँ -1, यहाँ -1, -1, -1, देन -1, बी पार्ट हो गया। सेकेंड क्या कहता है, सी एड के टू ऑल द एलिमेंट्स एट द इंटरसेक्शन। के की वैल्यू को सारे इंटरसेक्शन में मुझे प्लस करना है। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसे हम कहेंगे +1। यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी +1 की वैल्यू, बट यहाँ इन्फिनिटी है तो हमें कुछ करना नहीं होगा, बट हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी हमने +1 की वैल्यू डाल दी। ये सारी वैल्यूज डालने के बाद हम इन सब को वापस एक टेबल के फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे। तो जो टेबल की वैल्यूज आती है वो मैं यहाँ, मैंने यहाँ कॉपी करके रखा है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि अगर मैंने उसे सॉल्व किया इस पार्ट को, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ये आएंगी। देखो आप, यहाँ 1-1 विल बी 0, 3-1 विल बी 2, दिस विल बी अगेन 0, दिस इज 1-1 0, 2-1 1, दिस इज 0, ऐसा करके मैंने वैल्यूज डाल दी। और प्लस कहाँ करना था, मुझे यहाँ करना था, 2+1 विल बी 3, दिस इज इन्फिनिटी, एंड 3+1 विल बी 4। तो ऐसे करके हमारी नई टेबल रेडी हो गई। इस टेबल में अगेन मेरे को असाइनमेंट स्टार्ट करना है, तो हम असाइनमेंट्स देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ 3 जीरोज हैं, मुझे कुछ मैं नहीं टच कर सकता हूँ, अगेन जीरोज नहीं टच कर सकता, तो यहाँ मुझे सिंगल जीरो मिल रहे हैं, यहाँ मैंने टच किया, बाकी दोनों को मैंने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट में 2 जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। अगेन हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, 2 जीरोज 3 जीरोज, तो हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है। लेट्स कंसीडर दिस एज अ बॉक्स, और हमने इसे क्रॉस किया और इसे क्रॉस किया, इसे क्रॉस किया। अभी हमारे पास यहाँ पर एक, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ पर सिंगल जीरो आ रहे हैं, हमने इसे रखा, इससे क्रॉस किया और इसे क्रॉस किया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ सिंगल जीरो है, इसे हमने बॉक्स किया, वापस देखते हैं, वापस एक सिंगल जीरो यहाँ हमारे पास बच रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास असाइनमेंट्स रेडी हो गए।
अभी आप देखो, अगर हम साइकिल फॉर्मेट करते हैं इसका, तो साइकिल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम ए, ए टू साइकिल इज गोइंग टू बी। ए से साइकिल कहाँ जा रही है? मुझे बी को जा रही है। बी से कहाँ जा रही है? अगर हम देखेंगे तो बी से जा रही है मेरे पास डी, बी का डी, देन डी का ए, अगेन डी का ए। एक साइकिल फिनिश हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, डी के बाद हमारे पास ई है, तो हम ई से स्टार्ट करते हैं। ई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? सी, ई का सी और सी का ई, सी का ई। तो आप देखो दोस्तों, हमारे पास दो साइकिल्स फॉर्म हो रही हैं, साइकिल वन एंड साइकिल टू, जो मुझे रिड्यूस कर कर साइकिल वन के फॉर्मेट में सिंगल साइकिल रखना है, सो दैट कि ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है वो एक ही पार्ट में जाकर पूरा का पूरा कवर कर ले। इसको करने के लिए मुझे मर्ज करना होता है इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, और वो कैसे करते हैं, हम थोड़े चेंजेस करने के बाद करते हैं। तो आप देखो, ए बी डी, यहां तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डी के बाद मुझे ई वैल्यू आ रही है, डी की वैल्यू ए है, तो मुझे इसे रिप्लेस करना होगा। इसे मैं रिमूव कर कर इसकी जो बॉक्सिंग है ये कहीं शिफ्ट करूंगा। तो लेट्स से कि मैंने इसकी शिफ्टिंग करी है, डी को अगर मैंने इससे स्विच कर दिया, लेट्स से ये पार्ट से, और ई इसे मैंने स्विच किया इसके साथ। ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है दोस्तों, तो हिट एंड ट्रायल में हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखते हैं, सो दैट कि हमारा लूप एक ही रहे। तो अभी आप देखो, ए टू बी, बी टू डी, देन डी टू ई, ई टू सी एंड सी टू ए, ये सिमिलर दिख रहा है, करके देखते हैं। ए टू बी, दिस इज ए टू बी, देन बी इज गोइंग टू डी, बी टू डी, देन डी टू, अभी हमने इसे स्विच कर दिया ई के साथ, तो डी इज स्विच टू ई, ये वाली वैल्यू। और ई की वैल्यू कहाँ है? ई का है अपने को सी में, सी के बाद ए में। तो आप देखो, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हमारे पास एक ही साइकिल है जिसे हम कंसीडर करेंगे, और ये हमारी फाइनल साइकिल होती है जिसे हम कंसीडर करेंगे फॉर सेल्समैन, फॉर ट्रैवलिंग ऑफ सेल्समैन। इतना होने के बाद हमें वैल्यूज लिखनी है दोस्तों, तो हम वैल्यूज कैसे कंसीडर करेंगे? ए टू बी की क्या वैल्यू है वो हम कंसीडर करना है हमें। तो ये इसके लिए हमें वापस क्वेश्चन को चेक करना होगा कि हाँ हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, सो दैट कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू, ठीक है? तो ए टू बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, मैं यही मेंशन कर लेता हूँ। ए में बी की वैल्यू है 3, बी की डी में, बी से डी की वैल्यू है 2, डी टू ई है हमारा, डी टू ई है हमारा 6। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन में था, तो हम वैल्यूज उस पोजीशन के थ्रू निकालते हैं। 6, डी टू ई डन, ई टू सी, ई टू सी है हमारे पास 4, 4 टू, सॉरी ई टू सी है हमारा 4, सी टू ए, सी टू ए है हमारे पास 6। इन सभी का सम निकालेंगे, ये हो रहा है हमारा 21। सो 21 आवर्स, ये हमारा फाइनल आंसर है।